जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं नीलम बोध आज फिर एक बार आपके साथ जुड़ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी शय कुशल मंगल होंगे। साथियों, पिछले कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि इस बहुजन समाज पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और ये अत्याचार कोई और नहीं बल्कि इस देश की सत्ता पर बैठे वो लोग कर रहे हैं, जो आज ये भूल गए हैं कि इस देश के युवा ने ही उनको आज उस मुकाम पर पहुंचाया है, जहां पर बैठकर आज वो इतने घमंडी हो गए हैं कि वो अपना अतीत भी भूल गए हैं। साथियों, इस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात की, लेकिन कौन से रोजगार? आप सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग, चाहे वो LLB हो, LLM हो, इंजीनियर हो या अन्य डिग्रियों के साथ में हो, आज यह मनुवादी सरकार उन्हें पकोड़े बनाने की योजना बता रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और अपने ही देश के होनहार नागरिकों को कहते हैं कि आप बेरोजगार हैं, पकोड़े बनाइए ताकि आपका जीवन यापन आसानी से हो सके। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप सरकार में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। एक बार आप अपने बच्चों से भी पकोड़े बनवाएं और बिकवाएं, और रोड पे उन्हें बिठाएं, और पता करें उनसे कि आज जो डिग्रियां ले लेकर बैठे हैं उसके बाद में जो पकोड़े बनाएंगे तो उन पर क्या बीतेगी। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है आपकी सोच पर। और आप बात करते हैं आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, कहाँ गए आपके वो खोखले वादे? सिर्फ खोखले ही हैं, सिर्फ कागजों तक ही हैं, वो कभी भी जमीनी स्तर पर नहीं उतरे। शर्म आती है मुझे आज कि इस भारत देश का नेतृत्व एक ऐसी सरकार कर रही है जो पूरी तरह से मनुवादी सोच की है। इंसान को इंसान नहीं समझती, उसने इंसान को जानवरों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमारे समाज पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पर युवा खुदकुशी कर रहा है। अरे कब रुकेंगे ये? शायद नहीं, क्योंकि आप लोग चाह ही नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ अपना पेट भरना है, और अपने जो जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ उनका पेट भरना है। आज से 4-5 साल पहले जय भीम प्रकाश जी ने मुझे एक बात कही थी कि संसाधनों से भरपूर भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की देन है, और यह सिर्फ एक सभ्य व नैतिक समाज के द्वारा ही किया जा सकता है। तो साथियों, आज इस सरकार को जो करना चाहिए वो तो यह कर नहीं रही है, और जो इसको नहीं करना चाहिए वो लगातार कर रही है। आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में नहीं, बल्कि मैं कहूंगी इस पूरे भारत देश में आज एक 5 साल की मासूम बच्ची से लेकर एक 90 साल की वृद्ध महिला तक का बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बलात्कार हो रहा है। पिछले चंद दिनों, अभी 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे गया, भले ही ये अंग्रेजी संस्कृति है, लेकिन क्या इस देश में उन युवाओं को एक जगह खड़े होकर बात करने की आजादी भी नहीं है? इन भगवाधारी गुंडों ने जहां पर एक लड़की लड़के को देखा, चाहे भले वो रिश्ते में बहन भाई ही क्यों ना हो, इन्होंने दिन दहाड़े उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, लात मारे, और यहां तक कि उनकी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। अरे बड़ा ही अच्छा काम कर रहे थे वो, मानो जैसे उन्हें कोई पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या आप इस देश के शासक हैं या आप इस देश को चलाने वाले हैं? एक युवा जो अपनी बात को, अपनी आजादी को इतनी आसानी से रख सकता है, और आपने उसकी आजादी को आज छीन लिया है। आज वो डरता है घर से निकलते हुए, कहीं भगवादारी गुंडे रास्ते में न मिल जाए, उसके साथ में क्या होगा? सोचिए, जब एक लड़की घर से निकलती है तो उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक समाज की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, और बाहर जो गिद्ध की तरह तुम जैसे कुत्ते
उसको नोचने खाने के लिए तैयार बैठे हो, उससे बचने की जिम्मेदारी। और आप कहते हो कि कानून गलत है। मेरा मानना है कि कानून आज गलत नहीं है, गलत सिर्फ आपकी सोच है। और इस सोच के ही कारण आप लोगों ने पूरे भारत देश में आतंकवाद फैला रखा है। अरे मूर्खों, कब सुधरोगे, कब जानोगे? क्या सिर्फ आपकी बेटियां बेटियां हैं? अन्य की बेटियां बेटियां नहीं है, उनकी इज्जत इज्जत नहीं है। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की माँ है। लेकिन आप जैसे गिद्ध रोज नजरे गड़ाए बैठे रहते हैं। आपने उन महिलाओं की आजादी को छीन लिया है जो सुबह अपने घर से निकलती है किसी रोजगार की तलाश में। शर्म आनी चाहिए। और आप दोष देते हो कि कानून को, कानून गलत है। कानून, आप सभी जानते हैं कि किसी भी घटना के घटने के बाद कानून का रोल आता है। आज जरूरत है हमें अपने नैतिक आचरण को सुधारने की। साथियों, धम्मपद के पहले ही पद में कहा गया है कि मनो पुपगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चै पद उठे न भासती वा करोती वा, तदो नन दुख मन वैती चक्कं वह वहतो पदंग। अर्थात मतलब कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। सभी बातें मन से शुरू होती हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए आज जरूरत है हम सबको अपनी सोच को सुधारने की, क्योंकि जिस दिन हम अपनी सोच सुधार लेंगे उस दिन हम इन घटनाओं को रोक पाएंगे। क्योंकि ये घटनाएं हमारे मन से शुरू होती हैं और हमारे मन से शुरू होकर हमारे आचरण में आती हैं, और हमारे आचरण में आती हैं तो एक दूसरों का कितना नुकसान पहुंचाती है। आप सोचिए, आज जरूरत है इस सरकार को, इस भारत सरकार को एक कठोर कदम उठाने की। आज इसको अपने पूरे भारत देश में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य की सरकारों को, उनको स्कूलों में और कॉलेजों में एक पीरियड कम से कम नैतिक शिक्षा का लगवाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक इन अपराधों को हम नहीं रोक पाएंगे। और आज इतनी जघन्य अपराध इस समाज पर नहीं बल्कि पूरे भारत देश की बेटियों पर हो रहे हैं। खाली मात्र नारे देने से काम नहीं चलता। ये भाजपा सरकार जो हर रोज नारे देती है, हर रोज स्लोगन लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे मूर्खो मुझे ये बताओ, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या सिर्फ आप नारों के माध्यम से दे पाओगे? इसके लिए आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ सरकार में बैठे आप लोग तमाशा देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। और बाबा साहब ने कहा था, साथियों मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से आह्वान करती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। इसलिए अब बहुजन समाज के सभी साथी आज जुड़ जाइए, एकत्रित हो जाइए और संगठित होकर लग जाइए इस मनुवादी सरकार की जड़ें हिलाने में। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, ये सरकार लगातार आप पर शोषण करती रहेगी, आप पर शोषण करती रहेगी और आपको तरह तरह की यातनाएं देती रहेगी। आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको गुलाम बनाती रहेगी। इसलिए जरूरत है आप खड़े हो जाइए और हुंकार भरिए, क्योंकि बहुजन समाज इस देश में बहुत बड़ी आबादी में है और ये चंद मुट्ठी लोग आपके सामने आपके ही सर पर राज कर रहे हैं। तो आज जरूरत है आप सबको जागने की, संगठित होने की और एकत्रित होने की, क्योंकि समय आ गया है अब। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।